एक भावुक मोमेंट है दोस्तों, काफी भावुक मोमेंट है ये। तो मेरी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे मैम अगर आप ऐसे करेंगे तो, लोग कहेंगे ये तो वही भावुक हो गए। मैंने सिर्फ एक बात कही थी कि मुझे मार्केट जाने के लिए एक छोटी कार चाहिए बस, और टियागो पसंद बताई थी कि सर शहर में चलने के हिसाब से मैम ने गाड़ी चाही थी एक, कि इनको एक छोटी गाड़ी चाहिए थी, तो सर ने आज जो इनकी इच्छा को पूरा किया है, मैं खुद भावुक हो गया हूँ। तो दुनिया के तमाम देशों से हमें देख रहे हैं सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत सारी क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ मम्मा को संभालो। आपके इमोशनल मोमेंट्स मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में अवेलेबल भी होती है। गाड़ी के बारे में मालूम है उससे ज्यादा मेरे बेटे ने बता दिया। बहुत जानकारी है मैम, प्रवीर को तो बहुत सारी जानकारी। तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल उषा की किरण में। दोस्तों आज मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि क्रिसमस के त्यौहार के अवसर पर मुझे मिला है मेरा छोटा सब्सक्राइबर दोस्त प्रवीर, और प्रवीर आया हुआ है इंदौर में टाटा सांगी, जहाँ पर मम्मी भी साथ में आई हैं। तो मैम आपका बहुत सारा स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर और क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैम आप आज यहाँ पर आए हैं किस पर्पज़ से आए पहले मैं जानना चाहता हूँ। कार देखने के लिए आए। कार देखने के लिए आए हैं, वैसे मुझे पता चला है कि कार तो आपकी यहाँ पे खड़ी हुई है पीछे। सर मुझे नहीं मालूम है। आपको नहीं मालूम है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से सांता क्लॉज आकर के तमाम सारे दुनिया के लोगों को गिफ्ट्स देते हैं, वैसे ही जो सर हैं, जो सर हैं हमारे अविनाश जी, उन्होंने जो है मैडम को गिफ्ट किया है आज के दिन क्रिसमस के दिन। तो मैम आपको सब सांता हो जाएंगे। हाँ जी, सांता क्लॉज बन गए वो आपके लिए, है ना। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि दुनिया भर के तमाम लोग अपने भी रिलेटिव्स को अगर कोई गिफ्ट देना चाहें तो वो दे सकते हैं। हालांकि ये काफ़ी बड़ा गिफ्ट आज जो है आपको मिलने वाला है मैम। तो ये है आपकी कार, तो आपको पता है कौन सी कार है इसके अंदर? नहीं सर बिल्कुल नहीं मालूम है। नहीं पता है? बिल्कुल रियली नहीं पता है? आपको पता है बेटा? आपको पता है? अच्छा वो तो मैंने तुमको बता दिया था बताना, ठीक है ठीक है। तो दोस्तों अभी तक मैम को पता नहीं है कि गाड़ी सर ने कौन सी इनके लिए गिफ्ट की है। इसके अंदर नेक्सोन भी हो सकती है, टिगोर भी हो सकती है, और आपकी कौन सी पसंदीदा गाड़ी थी मैम? मेरी टियागो, मैंने टियागो भी हो सकती है। और मैडम आपका कोई कलर भी बता रहे थे ना आप? सर रेड मैंने कहा था, रेड टॉप मॉडल टियागो मेरी पसंद थी। अच्छा। मैंने बोला था कभी ऐसे। अच्छा कभी बोला था आपने, तो उम्मीद करते हैं देखो शायद इसके अंदर रेड कलर ही निकल जाता है। तो सर जो है टाटा सांगी से जो है इसको अनवील करवाइए सर प्रवीर, इसको काफ़ी नॉलेज है गाड़ियों के बारे में, ये आपको गाड़ी के जो तमाम सारे फीचर्स हैं उनसे रूबरू कराएगा। आज मैं रिव्यू नहीं दूंगा, आज प्रवीर जो है वो रिव्यू देने वाला है इस गाड़ी के बारे में। तो सबसे पहले करते हैं हम इसको अनवील, खुल जा सिम सिम। मैम आपका रेड कलर मिल गया है। अच्छा आपके एक्सप्रेशन मैम इधर आने चाहिए, इधर इधर प्लीज़ इधर देखिए मैम, प्लीज़ इधर देखिए। दोस्तों आप देख सकते हैं मैम कितनी भावुक हो गए मैम, प्लीज़ आप देखो इमोशनल हो गए मैम। आप इधर देखिए मैम, प्लीज़ इधर देखिए। बेटा प्रवीर आओ मम्मा को संभालो। सर आप भी प्लीज़ आ जाइए सर, आ जाइए। तो सर हमारे सामने आ चुके हैं अविनाश जी, वो नहीं आना चाहते थे। God bless you. एक भावुक मोमेंट है दोस्तों, काफ़ी भावुक मोमेंट है ये। सर मेरी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे मैम अगर आप ऐसे करेंगे तो, लोग कहेंगे ये तो वही भावुक हो गए। तो मैम फाइनली आपकी गाड़ी जो है सर ने, आपने कहा था कि रेड कलर की टियागो होनी चाहिए, और टियागो हमारे सामने है। अब आप दो शब्द बोलिए हमारे व्यूवर्स के लिए, सबसे पहले सामने कैमरे को फेस करते हुए। सर कोई शब्द ही नहीं है, कोई शब्द नहीं, कोई शब्द नहीं है सर। मैंने सिर्फ एक बात कही थी कि मुझे मार्केट जाने के लिए एक छोटी कार चाहिए बस, और टियागो पसंद बताई थी कि शहर में चलने के हिसाब से मैम ने गाड़ी चाही थी एक, कि इनको एक छोटी गाड़ी चाहिए थी, तो सर ने आज जो इनकी इच्छा को पूरा किया है, मैं खुद भावुक हो गया हूँ दोस्तों। मैम रियली बाय हार्ट मैं कह रहा हूँ कि बस पूछो मत, मेरे पास में अभी शब्द नहीं है, अभी रिव्यू क्या बनाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी जो है टियागो, जिसको कि मैम ने परचेज किया है। टियागो के बारे में प्रवीण परचेज नहीं करा है, मेरे सांता आज सांता क्लॉज आपके जो सर है सर, अब तो आप आ ही जाइए सर, वो आना नहीं चाहते हैं लेकिन कोई बात नहीं है। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ वन, जो भी दुनिया के तमाम देशों से हमें देख रहे हैं सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत सारी क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों हमारे साथ हैं टाटा सांगी के जनरल मैनेजर सर हैं, सर आप हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ कहना चाहें तो बताइए। एक्चुअली अविनाश सर हमारे एग्जिस्टिंग
कस्टमर हैं और ऑल ऑफ काफ़ी 3 साल पहले 4 साल पहले सर आए और आने के बाद में जस्ट वॉक इन गाड़ी देखने के लिए आए थे और गाड़ी देख करके उस टाइम भी सर ने लाल कलर की जेस्ट हमसे उठाई है। और अविनाश सर हमारे टाटा प्रेमी हैं और आपके पास में एक टाटा सफारी है और ऑल टाइम टाटा को ही प्रेफर करते हैं और सर बहुत क्रेज़ी थे इस गाड़ी को बुक करने से लेके। सर ने एक महीने पहले पूरा सारा प्लान कर लिया था गाड़ी का, मुझे बता दिया था कि मेरे को ये गाड़ी ये मॉडल ये चाहिए। और इनफैक्ट आई से थैंक्स टू टाटा मोटर्स कि मैंने जैसे ही ऑर्डर लगाया आज की डेट में गाड़ी काफ़ी वेटिंग में मिल रही है, फिर सर के लिए अवेलेबल हो गई। सर के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट की थी मैंने टाटा मोटर्स से, वो फटाफट गाड़ी आ गई और आकर के सर ने बोला था कि पर्टिकुलर डे हम चूज़ करेंगे और उसी दिन आकर के आज के दिन क्रिसमस वाले दिन हम गाड़ी उठाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक्स टू अविनाश सर, थैंक यू प्रवीर एंड थैंक यू मैडम। तो दोस्तों अविनाश सर मुझे नहीं जानते थे, इन्होंने मुझे फेसबुक से या और यूट्यूब पे जहाँ मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है वहाँ से इन्होंने ढूंढ करके मुझसे संपर्क किया और इन्होंने कहा कि यार ब्रजेश जो है हमारे इस मोमेंट को आप कैप्चर करें और गाड़ी के बारे में पूरी डिटेल भी हम देने की कोशिश करेंगे। तो हमारा आज जो छोटा सब्सक्राइबर फ्रेंड है प्रवीर, इससे हम जानेंगे दोस्तों गाड़ी के कुछ फीचर्स के बारे में। तो प्रवीर आप बताइए गाड़ी के बारे में आप क्या जानते हैं? ये टियागो का एग्जैक्ट मॉडल है, इसमें आपके पास 15 इंच के टायर हैं, 170 का ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी के अंदर, इसके अंदर 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन है VS6 का। दोस्तों इसके लिए मैं एक बार कहना चाहूँगा कि ताली बजनी चाहिए, इतनी छोटी बच्ची को इतनी सारी नॉलेज है। और बाकी हमें ये गाड़ी कितने की पड़ी उसके बारे में कुछ आइडिया है? ये 7 लाख की है, 7,14,000 आई थिंक है ना, 7,14,000 की पड़ी है सर, 7,14,000 आसपास की कीमत में ये जो है ऑन रोड हमें पड़ी है दोस्तों। बस 15 इंच के टायर हैं, व्हील साइज आपका और 170 का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस गाड़ी में मिल जाता है और आपको इसमें ORVM ऑटोमेटिक मिल जाते हैं और ये गाड़ी आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में अवेलेबल भी होती है। मुझे गाड़ी के बारे में मालूम है उससे ज़्यादा मेरे बेटे ने बता दिया। बहुत जानकारी है मैम, प्रवीर को तो बहुत सारी जानकारी है। तो मुझे जो पता है इसमें 5 कलर्स आते हैं, ये मेरा फेवरेट कलर है ओके टियागो का और टॉप मॉडल है टियागो में। मुझे सरप्राइजली मिला है आज, लेकिन जो मुझे इसके बारे में जानकारी है 1.2 लीटर का इंजन है ओके 3 सिलेंडर इंजन है, 3 सिलेंडर का इंजन मिलता है यस एग्जैक्टली व्हील है, आप देखिए अलॉय व्हील है, 15 इंचेस अलॉय व्हील है और बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट गाड़ी है। टाटा मेरी फेवरेट है, टाटा की जितनी भी गाड़ियाँ हैं सभी मेरी फेवरेट हैं, मैं लॉयल हूँ, मतलब हमारी पूरी फैमिली लॉयल है एक्चुअली टाटा। मैं चाहूँगा आप गाड़ी के अंदर बैठ करके भी बताइएगा किस तरह का आपको सीटिंग कम्फर्ट यहाँ पर मिलता है। तो दोस्तों मैम हमारी जो है गाड़ी के अंदर एंटर कर रही हैं, आप देख सकते हैं एक फैमिली के हिसाब से अगर देखा जाए, एक फीमेल के हिसाब से भी अगर देखा जाए दोस्तों, तो काफ़ी कंफर्टेबल ये गाड़ी है जहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सीटिंग वगैरह काफ़ी कंफर्टेबल मिलती है। जी सर, सीट एडजस्टेबल है इसमें और बहुत ज़्यादा हाइट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, अंदर से बहुत ज़्यादा लग्जीरियस है, हाइट वगैरह अच्छी है जी, अंदर से बहुत ज़्यादा लग्जीरियस है गाड़ी। टच स्क्रीन है आप देख सकते हैं कि इसका पूरा आई थिंक कुछ इस तरह की हमें चाबी मिलती है मैम, चाबी किस तरह की है जहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3 बटन मिलते हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक लॉक करने का है, एक अनलॉक करने का है, एक आपका फॉलो मी होम लैंप्स का मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरह की इसकी चाबी मिलती है। बाकी दोस्तों आपको डिटेल में अगर टियागो का रिव्यू देखना है तो मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ से भी आपको देख सकते हैं, आपको लिंक में है जो है आई बटन के अंदर दे दूंगा। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है और इसमें आपको जो बूट स्पेस है 242 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा, 242 लीटर का है ना, और इसमें आपको ऑटोमेटिक एसी के कंट्रोल्स मिल जाएंगे और ये मैनुअल ट्रांसमिशन का कार है, इसमें AMT वर्जन भी आप प्रेफर कर सकते हैं। सर मेरा प्रेफरेंस मैनुअल था, सर ने मुझे मैनुअल दिलाया टॉप मॉडल में, इसके अलावा कंफर्ट लेवल पीछे भी सर बहुत है। आइए पीछे आइए। तो मैम आगे की सीट से आप सेटिस्फाई हैं, अब हम पीछे की सीट भी देख लेते हैं। जी सर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, पीछे भी काफ़ी स्पेस मिल जाता है, कॉम्पैक्ट बहुत है, आप देखिए बूट स्पेस भी कम, गाड़ी के अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों जो है एंट्री जो है काफ़ी अच्छी मिलती काफी है, मतलब इजी है और बूट स्पेस काफ़ी अच्छा, बूट स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है जी,
सीट से लेके आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा कंफर्ट, नी रूम वगैरह भी काफी जी, अच्छा जी, है ना जी, बहुत ज्यादा अच्छा गाड़ी के अंदर। दोस्तों आपको यहाँ पर पावर स्टीयरिंग मिलते हैं गाड़ी के अंदर टोटल, और ट्विटर वगैरह आपको चारों ही डोर के ऊपर मिलेंगे, और म्यूजिक सिस्टम इसके अंदर मैम हारमन गार्डन का है, हारमन गार्डन का इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम आपको मिल जाता है। इसमें आपको चार सब बूफर और चार मेन स्पीकर अंदर मिलेंगे, जो इसका जो लेग रूम है काफी कंफर्टेबल है, मतलब कोई भी आराम से इसके अंदर कंफर्टेबली बैठ सकता है, कंफर्टेबली बैठ सकता है। तो मैम अब हम इसका बूट स्पेस भी ओपन कर लेते हैं। तो बूट आपको मिलता है दोस्तों पीछे की साइड में। टॉप एंड मॉडल की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको डीप फॉगर वगैरह मिल ही जाते हैं, साथ ही आपको वाइपर मिलेगा, और यहाँ पर जो है आपको पीछे की साइड में रिवर्स पार्किंग कैमरा भी देखने के लिए मिल जाता है। बात करते हैं इसके बूट की, यहाँ पे आपको 240 लीटर का 242 लीटर का आपको यहाँ पर बूट स्पेस मिलता है, जिसके अंदर हम तमाम सारे बैलून्स को रख देते हैं, अंदर रख दीजिएगा। दोस्तों आज का दिन जो है काफ़ी खुशी का दिन है, और काफ़ी मतलब कह रहे हैं ना कि मैम काफ़ी भावुक हो रही हैं, फिर भी काफ़ी सारी डिटेलिंग मैम यहाँ पर देने की आपको कोशिश कर रही हैं। यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे मिलती है, बूट स्पेस मिलेगा 242 लीटर का, नीचे ही आपको यहाँ पर जो है आपका स्पेयर व्हील भी मिल जाता है। स्पेयर व्हील की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से स्टील व्हील रिम के साथ में स्पेयर व्हील मिलेगा। गाड़ी हमें पीछे से दिखती है कुछ इस तरह की। मैम आप खुश हैं ना आज? मैम के पास कोई शब्द नहीं है। तो ओवरऑल गाड़ी जो है दोस्तों हमें कुछ इस तरह की दिखाई देती है। यहाँ से 35 लीटर का आपको यहाँ पर फ्यूल टैंक मिलता है। प्रवीर फ्यूल टैंक कितने लीटर का है? 35 लीटर का फ्यूल टैंक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे क्या करना है बेटा? लाइक करना एंड सब्सक्राइब। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो क्या करना है हमें? सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना है। बेल आइकन को भी प्रेस करना है। दोस्तों इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं समाप्त और लेता हूँ आपसे विदा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं नई गाड़ी की, क्रिसमस की, और स्टे हेल्दी, कीप सेफ ड्राइविंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।